स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फूड मोमेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी पोहा। वैसे मैं ऐसा सिंपल सा पोहा नहीं बनाऊंगी, मैं आज सब्जियों को मिक्स करके पोहा को बनाऊंगी, जो खाने में तो अच्छा लगेगा ही और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिससे आप कहेंगे कि हाँ ये पोहा कितना अच्छा है और आप भी इसको कई बार बनाएंगे। हमारे घर में वैसे ये पोहा हमेशा ही बनता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सरसों का तेल डाल लेंगे कढ़ाई में। उसके बाद आप अदरक लहसुन मिर्च प्याज सब कुछ डाल करके इसमें इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये ब्राउन हो जाएगा तब तक आप इसको भूनते रहेंगे। आप देख लेंगे कि जैसे ये पक जाए थोड़ा, क्योंकि कच्चा रहेगा तो ये खाने में अच्छा नहीं लगता है प्याज। फिर आप आलू को बारीक कटा हुआ डाल देंगे। हाँ, आपको मोटा आलू नहीं काटना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि मोटा कटा हुआ आलू डाल देंगे ना तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा पतला पतला आलू काट करके इसमें आप डाल देंगे। फिर ना हमारे यहाँ खेती भी होती है, जिसमें बहुत ये पत्ते गोभी भी उसमें उगाए जाते हैं, तो ये आज खेतों से आई थी, तो हम इसको अच्छे से फिर धुल करके इसको काट करके हमने सोचा सब्जियों में इसी पत्ते गोभी को ऐड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप इसमें गाजर और चुकंदर जो भी आपके पास है इसको रेत करके आप इसमें डाल सकती हैं, यदि आपके पास है तो, नहीं तो फिर आप इसको अब ऐसे ही पत्ता गोभी है तो आप डाल करके बस बना सकती हैं। फिर इन सब्जियों को भी आप अच्छे से बहुत मिक्स करके भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है। सारी सब्जियाँ हमारे अपने खुद के खेत की है, जो कि हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है और फ्रेश फ्रेश भी मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आप इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। तब तक आप क्या करेंगे ना, जो आपके पोहे हैं जिसको हमारे यहाँ गाँव में चिवड़ा भी बोला जाता है, तो आप अपने पोहे को ना क्या करेंगे, इसको जैसे पानी में ऐसे भिगो के नहीं रखेंगे देर तक, क्योंकि ये क्या होगा ना, ये पोहा जो होता है ये पानी सोख लेता है तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। आपको क्या करना है, बस नॉर्मल सा ऐसे पानी में डाल करके उसको तुरंत छान लेना है, जिससे क्या है ना, पोहा बहुत फूलेगा नहीं और वो एक दूसरे से चिपकेगा भी नहीं। हमारे यहाँ घर का खुद का बनाया हुआ जैसे धान से बनता है ना जो पोहा होता है, उसको कूट करके बनाया जाता है, तो वो वाला घर पे है, जो न तो बहुत पतला होता है न तो बहुत मोटा होता है, क्योंकि मार्केट में कई तरीके के पोहे मिलती हैं, तो ये मीडियम वाला पोहा है जो कि खुद ही बनाया गया है ये मशीन से कुट करके। फिर आप इसको अपने सब्जियों को पकाने के बाद पोहे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से दिख रहा है और इसको मिक्स करने के बाद ये बहुत ही अच्छा भी लगेगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने तली हुई मूँगफली रखी थी और फिर इसको ऊपर से मैंने तली हुई मूँगफली डाल दी है, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। फिर इसमें के ऊपर आप नींबू डाल करके धनिया से गार्निश करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।